बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम डियर स्टूडेंट, स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2023-24 सेकंड टर्म इस्लामियात ग्रेड 8। ये 8 क्लास इस्लामियात सेकंड टर्म का वर्जन नंबर 3 है। वर्जन नंबर 1 और 2 पहले ही अपलोड हो चुके हुए हैं, ये थर्ड वर्जन है जो आपके सामने मौजूद है। ऑब्जेक्टिव के अंदर 10 एमसीक्यू 15 मार्क्स की ऑब्जेक्टिव होता है, क्योंकि हर एमसीक्यू का 1.5 नंबर आपको दिया जाएगा। सब्जेक्टिव 35 मार्क्स की होगी, टोटल 50 नंबर और टाइम 1 घंटा और 30 मिनट आपको दिए जाएंगे। सवाल नंबर 1 है, अल्लाह ताला के फरमान डैश से हमें सबक मिलता है मसावात का। रियासत के हुक्मरान को चाहिए कि वो माशरती मसावात पर अमल करते हुए कानून की अमलदारी को यकीनी बनाए तमाम लोगों पर। दौर हाजिर में फिरका वारियत के खात्मे के लिए ज़रूरी है इत्तेहादे मिली, बदगुमानी से बचा जा सकता है हुस्ने ज़न से। अलमुफ्लिहून का मैनी है कामयाब, अल्लाह ताला के बंदों पर हकूक कहलाते हैं हकूकुल्ला। अलअमा से मुराद है अंधा, मौजूदा दौरे में तजारत में लोगों को इत्माद हासिल करने के लिए ज़रूरी है दयानतदारी। आप किसी साथी से उधार लेते हैं तो किसी भी गलत फहमी से बचने के लिए इत्माम करें तहरीर का। गुर्बत फलास और निज़ाम की बीमारी मुसलत कर दिए जाने की एक वजह है जखीरा अंदोजी करना। हिस्सा दोम के अंदर सवाल नंबर 11 के 3 पार्ट है, 1, 2, 4 नंबर के हैं और 1, 2 नंबर के हैं। टोटल ये 10 नंबर का ये क्वेश्चन है। बारी बारी हम इनके आंसर को भी देख लेते हैं। मसावात के बारे में एक हदीस नबी खातमुन नबियीन का तर्जमा लिखे, तो तर्जमा आपके सामने ये 3 नंबर का 3 लाइनों का लिखा हुआ है, आप लोगों ने ये लिखना है और ये 2 नंबर का क्वेश्चन होगा। रियासत मदीना में मसावात कायम करने की एक मिसाल लिखे, तो मिसाल आपके सामने ये 4 लाइनें लिखी हुई है जो आप लोगों ने लिखनी है। इनकी स्क्रीन शॉट ले लीजिए और इसको आप तैयार कीजिए। अमली ज़िंदगी में मसावात के कोई से 4 असरात बयान करें, तो ये 3 लाइनें आपके सामने मौजूद है जो आप लोगों ने लिखनी है। सवाल नंबर 12 है, अखुवत का लफ्जी और इस्लाही मैनी लिखे, तो एक लाइन का ये लाइन का जो आंसर है वो आपके सामने है। मसावात का लफ्जी मैनी बराबरी है, एक जैसा होना और इस्लाम में किसी इंसान का रंग नस्ल या जुबान की बुनियाद पर दीगर इंसानों पर कोई बर्तरी हासिल नहीं है। माशरे में मसावात की अहमियत बयान करे, 2 लाइनों का ये आंसर आपके सामने मौजूद है। मसावात अपनाने से माशरे पर कोई 2 असरात लिखे, तो 2 लाइनों का आंसर ये भी आपके सामने मौजूद है जो आप लोगों ने लिखना है। सवाल नंबर 13, हर्ज का मफहूम बयान करें, अपना हिस्सा लेने के बाद दूसरों का हिस्सा लेने की ख्वाहिश करना हर्स कहलाता है। नेक्स्ट 6 नंबर का क्वेश्चन है, हर्स की मजामत में एक कुरान आयत और एक हदीस की रोशनी में नोट तहरीर करें, तो ये एक हदीस और एक आयत का तर्जमा आपके सामने मौजूद है जो आप लोगों ने लिखना है। नेक्स्ट 6 नंबर का क्वेश्चन है, हर्स व तमा के माशरे पर कोई मनफी असरात मुरतब करे कोई से 6, तो आपके सामने ये 2 पॉइंट 2 लाइनें लिखी हुई है, आप लोगों ने लिखनी है। ये 6 नंबर का क्वेश्चन है जो कि आप लोगों ने लिखना है। मेरे पास स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2023-24 इस्लामियात ग्रेड 8 सेकंड टर्म का ये वर्जन नंबर 3 है।